नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से संदीप गाजियाबादी यूट्यूब चैनल पर एक नई अपडेट के साथ। तो आज हम आपको नई अपडेट देने वाले हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की। जो आपको सामने व्यू दिख रहा है ये रैपिड रेल कॉरिडोर का व्यू है। तो ये जो कॉरिडोर है ये साहिबाबाद स्टेशन से गाजियाबाद के न्यू बस स्टैंड रैपिड रेल स्टेशन तक जाता है। तो अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये जो कॉरिडोर आ रहा है ये गाजियाबाद के न्यू बस स्टैंड RRTS स्टेशन से साहिबाबाद के रैपिड रेल स्टेशन तक जा रहा है। तो इस कॉरिडोर की कुल जो दूरी है साहिबाबाद से नए बस स्टैंड जो गाजियाबाद तक है वो करीबन 7 से 8 किलोमीटर पड़ती है। तो मैं गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ रेल मार्ग से जा रहा था ट्रेन से, तो उसी के बीच यह कॉरिडोर भी आता है हिंडन नदी के आसपास जो साहिबाबाद तक चलता है। तो मैंने आपके लिए अपडेट बनाना उचित समझा। तो कृपया आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपके लिए और भी ऐसी अपडेट आती रहेंगी। तो देख सकते हैं व्यू में ये रैपिड रेल का कॉरिडोर जो पैरल में बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बगल में ही एक रैपिड रेल का कॉरिडोर साथ में चलता हुआ, जिसके ऊपर रैपिड रेल के ऊपर जो बाउंड्री है जो एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया OHE यानी कि ओवर हेड पोल्स जो खंभे हैं वो भी लगा दिए गए हैं, जिसके ऊपर वायरिंग भी की जा रही है। बात करें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की, तो सबसे पहले जो प्रथम चरण में साहिबाबाद से गाजियाबाद की दुहाई तक रैपिड रेल स्टेशन तक ही रैपिड रेल दौड़ाई जाएगी, जिसको 2023 मार्च तक बना के तैयार कर दिया जाएगा इस कॉरिडोर को। तो इसी कॉरिडोर पर प्रथम रैपिड रेल दौड़ाई जाएगी, ट्रेन सेट 6 कोचों का जो रैपिड रेल का ट्रेन सेट होगा वो दौड़ाया जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होगी ऑपरेशनल स्पीड 180 किलोमीटर दौड़ने तक सक्षम होगी, हर मौसम में दौड़ने में सक्षम होगी रैपिड रेल की। तो आप व्यू में देख सकते हैं ये अब टर्न लेता हुआ साहिबाबाद की तरफ, तो साहिबाबाद की तरफ ये टर्न ले गया है। तो ये वापसी का व्यू है रैपिड रेल कॉरिडोर का, आप देख सकते हैं व्यू।